यानी देसी तड़का विद श्वेता। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता ऑलमोस्ट सभी के घर में बनता ही है। आज नाश्ते में आज बनाने का मन है हमारा बर्गर, तो जिसके मुख्य इंग्रेडिएंट है बर्गर। ये चिंग्स की शेजवान चटनी है, ये ऑर्गेनो है, ये काली मिर्च, ये बीन्स, ये शिमला मिर्च, ये कॉर्न, ये अदरक चॉप्ड, ये प्याज, ये स्लाइस हमने बर्गर के लिए रखे हैं करके, ये चीज हो गया और ये बॉइल्ड पोटैटो। आज जो बर्गर हम बनाने जा रहे हैं वो टू टाइप्स से बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक टिक्की वाले बनेंगे जो नॉर्मल हमें मिलते हैं, और दूसरा बनेंगे सैंडविच स्टाइल में। तो ये है हमारा मोजरेला चीज जिसको हमने कद्दूकस करके ले लिया, और बेसिक मसाले हमारे इसमें हैं। तो चलिए फिर करते हैं तैयारी। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, पहले सैंडविच बर्गर की तैयारी कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये ऑयल हमने इसमें डाल दिया है, ये गर्म होता है, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे अपना। तो ये तेल हमारा गरम हो चुका है, हम इस तेल में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, चॉप्ड जिंजर, ये बीन्स डालेंगे, हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आपने देखी मैंने बचाई है, ये बचाई इसलिए है कि हमने जो दूसरा बर्गर बनाना है, ये हम बना रहे हैं सैंडविच बर्गर, और जो दूसरा बर्गर बनाएंगे उसमें भी डालनी है। और ये डाल रहे हैं हम चॉप गाजर। गाजर मैंने मेंशन नहीं की थी क्योंकि मैं भूल गई थी, इसलिए गाजर अब आपको बता दिए। गाजर डाल रहे हैं और अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम प्याज भी डालेंगे जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रखी है। हम थोड़ा सा नमक डालेंगे पहले, डालेंगे ऑरेगानो, और गैनो में भी नमक होता है तो नमक उस हिसाब से थोड़ा लिमिट में ही डालिएगा। ये आधा चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च, थोड़ी सी हम केचप डालेंगे, तीखापन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसमें, जितना तीखापन आपको चाहिए उस हिसाब से आप यूज कीजिएगा, और थोड़ी सी डालेंगे शेजवान चटनी। ये मैं आधा चम्मच ही शेजवान चटनी ले रही हूँ, मैं इतना ही डालूंगी। मिनट के लिए इसे हम धीमी आंच पे पकने देंगे जिससे बीन्स गल जाए, बाकी सब्जियां तो हमारी गली जाएंगी। तब तक तैयारी करते हैं हम टिक्की वाले बर्गर की। ये आलू हमने एक कद्दूकस कर लिया है, आलू हमने ध्यान रखिएगा, आलू हमने कद्दूकस करके ही लेना है, मैश नहीं करना है, नहीं तो कहीं मोटा कहीं पतला आएगा। ये आलू मैश हो चुके हैं हमारे, इसमें हम डालेंगे ये कद्दूकस की हुई गाजर, डालेंगे शिमला मिर्च, चॉप्ड जिंजर,
ये जो हमने प्याज बचाई थी चॉप्ड ये डाल देंगे। और थोड़ा सा कॉर्न डाल देंगे इसमें। और डालेंगे थोड़ा सा अरारोट। अरारोट हम जो डाल रहे हैं वो बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। मैंने 3 चम्मच डाला है। और डालेंगे इसमें मसाले, नमक स्वादानुसार, पिंच हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और ये गरम मसाला जरा सा, आधा टेबल स्पून। इसका इसको हम मिक्स करके इसका डो तैयार करेंगे, फिर हम टिक्की तैयार करेंगे इससे। तो चलिए करते हैं डो तैयार इसका। ये डो हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम साइड करते हैं और देखते हैं हमारी सैंडविच बर्गर की सब्जी कहाँ तक पहुँची। ये अच्छे से हमारी भुन चुकी है। अब हमने जो ये मोजरेला चीज़ कद्दूकस करके रखा था ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ नहीं है तो आप इसमें लिक्विड चीज़ भी डाल सकते हैं। ये देखिए सैंडविच बर्गर की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और तैयारी करते हैं बर्गर बनाने की। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अपने हाथों को भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। टिक्की आपको कितनी बड़ी रखनी है बर्गर के हिसाब से रखनी है, आप अपने हिसाब से ही लीजिएगा। ये वेज टिक्की बन रही है। आप चाहें तो जैसे ये टिक्की बनाई है इसके ऊपर अरारोट के ऊपर इसको कोट करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं सीधा तेल में ऐसे ही डालूंगी। बाकी टिक्कियां हम बाद में फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हम थोड़ी सी स्लो करेंगे और इसको हम टर्न करेंगे। ये टिक्की देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है। हम तवा गरम होने रख देंगे, बर्गर को भी सेक लेंगे। बर्गर को हम बीच से कट करेंगे। तवे को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे हम। और बर्गर को इस पे उल्टा करके हम सेकने के लिए रख देंगे। इसको हम पलट लेंगे। गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और अब बर्गर बनाते हैं। जो एक बर्गर हमने सैंडविच बर्गर बनाना है उस पे हम सबसे पहले लगाएंगे पिज्जा पास्ता सॉस।
और जो ये हमने वेजिस तैयार की थी ये हम इस पे लगा देंगे। और इसको तैयार कर देंगे। ये तैयार हो गया हमारा सैंडविच बर्गर। दूसरे बर्गर के लिए भी हमें सेम पिज्जा पास्ता सॉस लगानी है थोड़ी सी। साथ में अगर आपको पसंद है तो आप चिंग्स की ये शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। ये हम लेंगे टिक्की, इसके ऊपर रखेंगे एक टमाटर, सॉरी ये हमने खीरा रखा है, ये रखेंगे हम टमाटर साथ में, और एक रखेंगे हम अनियन रिंग, और साथ में रखेंगे हम सलाद पत्ता। और ये हम बर्गर को सेक लेंगे। रखा है गैस पे, रखा है वो इसलिए रखा है कि थोड़ा सलाद पत्ता सॉफ्ट हो जाए। और अब हम रखेंगे ये चीज स्लाइस, और इसको 2 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे ही सिकने देंगे। आप चाहें तो इसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। आपके लिए बर्गर, 2 टाइप ऑफ बर्गर बने हैं, बनाइए खाइए और एंजॉय कीजिए। मेरे घर में तो बन चुके हैं, बस अब बाकी है खाना। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए अपने घर में सेफ रहें, ठंड से बचे रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय। I'll never see you happy. You always treat me badly. You say to all.